प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने शनिवार को महानगर में भ्रमण के दौरान कोविड-19 कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए सड़कों पर उतरकर आम जनता को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने लोगों को मास्क को भी चेक किया तथा जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उन्हें कड़ी चेतावनी दी तथा कुछ लोगों को मास्क भी मुहैया कराया। नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धुलें, जिससे कोरोना की जंग को जीता जा सके। इस दौरान खनन विभाग के सचिव संजय खत्री, प्रभारी जिलाधिकारी CDO इंद्रजीत सिंह, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, CEO कोतवाली BP सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा। गाड़ी चालान कर देगा तो यहाँ फिर चल पा यहाँ से अगली बार चेंज जाओगे।
ब्लॉक जो किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी स्वतंत्रता है कुछ भी करने की। अगर नागरिक नहीं सहयोग करेंगे, ये जो संक्रमण है ये जन सहयोग से सुधरेगा? न सरकार की अकेले की जिम्मेदारी है, न नागरिक की अकेला कर पाएगा। सबको मिलके इसको सबके सहयोग से चलाना है। अगर पब्लिक को ये नहीं समझ में आएगा तो हमें फिर से फिर पार्शियल लॉकडाउन करना पड़ेगा और फिर लोगों को परेशानी होगी। हम नहीं चाहते ये हो, तो आज हम किसी को दंडित नहीं कर रहे, लेकिन आज के बाद अगर कल से मिलेंगे कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, मास्क लगाए बगैर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाई, बाकी उल्लंघन होगा, तो फिर इसका जो कानून है बहुत सख्त है। और वो कानून अगर लागू होगा तो इसमें फिर दो बातें कि एक तो नॉन अवेलेबल है, जेल जाएंगे, और इसमें जो फाइन है, दंड है, वो बहुत ज़्यादा है। हम नहीं चाहते कि हम, सरकार का कोई मंशा नहीं है कि किसी को हम दंडित करें, जेल भेजें, लेकिन जनता को भी समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं, आप देख रहे हैं कि 10% लोग हैं या 10 से भी थोड़े कम हैं जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन लोगों को 90% लोग जो इसका पालन कर रहे हैं उनके जीवन से खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सर, क्या स्थिति है प्रदेश में कोरोना का और टेस्टिंग के? क्या पूरा कंट्रोल में है? टेस्टिंग तो बढ़ता जा रहा है। डेटा आपको दोपहर में हमारे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव गृह साहब पूरा बताते हैं। वो डेटा पूरे प्रदेश का आपको 4:30 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता है, कल भी आपको मिलेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग गोरखपुर को देख रहे हैं।